केजरीवाल को केजरीवाल कहें या फिर रेवड़ीवाल, जिस तरह से वो रेवड़ियां बांटते हैं उससे तो यही लगता है कि उनका नाम बदल दिया जाना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जनता से चुनावी वादे करते हैं, बल्कि वादों की झड़ी लगा देते हैं, उससे तो यही लगता है कि केजरीवाल इसी बल पर हर चुनाव जीतना चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली में भी यही किया था, फिर पंजाब में भी यही किया और अब तो गुजरात में भी यही कर रहे हैं। हालांकि गुजरात में थोड़ा अलग एक और वादा कर दिया है, मतलब बिजली पानी से अलग एक वादा गौ माता से जुड़ा, जो कि वो दिल्ली में भी कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता के बाद पंजाब की सत्ता पर विराजमान हुए और अब गुजरात की सत्ता पर बैठने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। तो इस साल के आखिर में गुजरात में होने वाले चुनावों को लेकर वही डेरा जमाए बैठे हैं। गुजरात में ही मानो बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच गए हैं केजरीवाल। यहां अपने पुराने वादों को तो दोहरा ही रहे हैं और साथ ही दुधारू मवेशियों को लेकर भी एक वादा कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया है बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस आपके मतों को काटने के लिए एकजुट है और खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी राज्य में अगली सरकार बना रही है। केजरीवाल ने राजकोट में आयोजित एक सम्मेलन में कहा, दिल्ली में हम प्रत्येक गाय पर रोजाना 40 रुपए देते हैं, दिल्ली सरकार इसमें 20 रुपए देती है और बाकी 20 रुपए निगम देता है। अगर गुजरात में आपकी सरकार बनती है तो हम गायों को पालने के लिए प्रत्येक गाय पर 40 रुपए रोजाना देंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, गैर दुधारू और आवारा पशुओं के लिए प्रत्येक जिले में गौशाला बनाई जाएगी, आप सरकार राज्य में गायों की बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वादे को ट्वीट कर भी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने लिखा, गाय हमारी माता है, गुजरात में प्रशासन गाय माता को अनदेखा करता है, ख्याल नहीं रखा जाता। दिल्ली में हमने गौ सेवा के लिए सिस्टम बनाया है, गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद यहाँ भी गौ माता की अच्छे से देखभाल करेंगे। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं, 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रख रखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। अब केजरीवाल अपने वादों और दावों के मुताबिक क्या करते हैं और क्या नहीं, वो तो अगर उनकी सरकार गुजरात में बनती है तभी पता चल पाएगा। वैसे केजरीवाल के इस ट्वीट पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। सरपंच त्यागी ने लिखा, 100% झूठ बोलता है, गाय के लिए क्या सिस्टम बनाया है बता सकता है, सारे गाय चोर इसके साथी है, दिल्ली में सारे गाय चोर और गाय काटने वाले इसको वोट देते हैं, क्यों नटवरलाल बता सकता है। धर्मेंद्र नाम के यूजर ने तो गौ सेवा का दिल्ली मॉडल ही मांग लिया केजरीवाल से। मनोज कुमार ने लिखा, झूठ पर ही इनकी राजनीति टिकी है, मगर अब ये झूठ की राजनीति कर सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जनता इन्हें अच्छे तरीके से जान चुकी है, पहचान चुकी है। पत्रकार शिल्पा ठाकुर ने लिखा, ऐसा कोई सिस्टम हमने तो देखा नहीं, सड़क पर भूखी प्यासी गाय कूड़ा खाती दिल्ली की किसी भी जगह पर दिख जाएंगी, आसपास के लोग कुछ दे गए तो ठीक, नहीं तो सड़क पर भूखी ही रहती है। अब जब दिल्ली में ये हाल, जहां करीब 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, वहां गायों को लेकर केजरीवाल कोई ठीक सा इंतजाम नहीं कर पाए हैं, तो गुजरात में सरकार बन जाने पर क्या कर देंगे, आप खुद सोचिए। लेकिन हाँ, कोशिश केजरीवाल की पूरी है कि बाय हुक और बाय क्रुक उन्हें गुजरात का चुनाव जीतना ही है। फिलहाल तो केजरीवाल को उनके मंसूबों में कामयाब ना होने देने के लिए बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव जीतना साख की लड़ाई बन गया है। बीजेपी का गुजरात हारना मतलब लोकसभा चुनाव को जीतने से भी काफी पीछे हो जाना है। ऐसे में केजरीवाल यही बड़ी चोट बीजेपी को देने की फिराक में है, इसलिए दिल्ली छोड़ अब गुजरात में ही नजर आ रहे हैं और बिजली पानी से अलग अब गाय की सेवा के लिए भी रोजाना का 40 रुपया देने का वादा कर रहे हैं। अब वादे पर वादे तो केजरीवाल किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों में से कौन से वादे पूरे होंगे और उससे भी बड़ा सवाल, कैसे पूरे होंगे, ये जानना जरूरी है।
क्योंकि आखिर में केजरीवाल को केंद्र सरकार के आगे हाथ फैलाने हैं, मतलब बीजेपी के हाथ से गुजरात में सत्ता छीन भी लेंगे और उसके बाद वादे पूरे करने के लिए पैसे भी केंद्र से ही मांगेंगे। इसी स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल। आपको बता दें, गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल ने कहा है कि सूत्रों से पता चला है कि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक आज अगर चुनाव हो तो गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। हालांकि मार्जिन बहुत कम है, बहुत कम सीट से आगे है। गुजरात के लोगों को धक्का लगाना पड़ेगा। रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी की सीक्रेट मीटिंग हो रही है। दोनों पार्टियां हमें गाली दे रही हैं। अब केजरीवाल ने ये दावा तो कर दिया, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि उनकी उम्मीद के मुताबिक जनता उनके कहे को कितना मानती है, कितना केजरीवाल का साथ निभाती है या फिर बीजेपी के ही संग हो जाती है, जैसा कि पिछले कई सालों से होती आई है। इतना पक्का है कि इस बार केजरीवाल के एड़ी चोटी का जोर लगाने की वजह से बीजेपी के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है, बल्कि ये डगर काफी जटिल हो चुकी है। अब तय बीजेपी को करना है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, क्योंकि समय बेहद कम बचा है। वैसे आप केजरीवाल के हवा हवाई दावों और वादों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, जैसे एक के बाद एक गुजरात की जनता के लिए केजरीवाल के वादों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, क्या इन वादों को केजरीवाल निभा पाएंगे, क्या गुजरात की जनता को संतुष्ट कर पाएंगे? आपके इस पर विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।